खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से, जहां नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने चार्ज संभालते ही नगर निगम में आई ट्रिपल सी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और शहर में कैमरे के द्वारा हो रही यातायात निगरानी के बारे में जानकारी ली। नवनियुक्ति नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि नाले और नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही वृक्षारोपण की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का जल्द निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा सा पानी बरसता है तो स्थिति आती है, जल भरा होता है। और आप कह रहे हैं कि पूरा काम हो चुका है? नहीं, मुझे बताया गया है काम हो चुका है, लेकिन वेरिफिकेशन, लेकिन काम केवल वो रिपोर्ट प्रैक्टिकल में आप उसको, वो तो मैंने बताया ना 15 दिन में फील्ड में ही रहूंगी, आपको सुबह 7 बजे से मिलूंगी और फिर शाम को 5 बजे मिलेंगे। जी, पार्किंग की व्यवस्था जो है पूरे स्मार्ट सिटी में कहीं नहीं है। आप किसी भी रोड पे चले जाइए, हॉस्पिटल रोड पे चले जाइए, सभी जो वाहन हैं, जितने भी डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, सभी के वाहन जो हैं, जो दिखाने के लिए मरीज आते हैं, उनके वाहन भी सड़कों पर खड़े रहते हैं। कोई पार्किंग की व्यवस्था स्मार्ट सिटी में नहीं है। नोट कर लेते हैं हम इसको। अभी 10 से 15 दिन का समय आपको स्टडी में लगेगा, समझने में लगेगा। इस दौरान क्या कोई आप सोशल प्लेटफॉर्म देंगे जो लोग आपको कोई फीडबैक देना चाहें, बात करना चाहें? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि सीधा मौके पे जाकर वहाँ के लोगों से बात करके एक आइडिया लग जाएगा। तो मैं अभी एक वार्ड निरीक्षण का एक रोस्टर भी जारी करूँगी नेक्स्ट वीक से, मंडे से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सुबह 7 बजे एक वार्ड हम लोग डिस्कवर करेंगे और इवनिंग में जितने भी यहाँ पे अच्छे कार्य मुझे बताए गए हैं, काफ़ी इसमें ये मीरावत की प्लांटेशन हुआ है और उन सब चीज़ों को एक बार देखा जाएगा। सो दैट उसको आगे कैसे मेंटेन करना है वो एक प्रॉपर प्लान बनाए। तो मॉर्निंग में वार्ड का निरीक्षण, मॉर्निंग में कमियाँ और क्या है वो सारी प्रॉब्लम्स, और ये कोशिश करेंगे इवनिंग में अच्छी चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है आगे लेकर जाना है। ठीक, आप प्रथम महिला नगर आयुक्त के तौर पर मिली हैं, तो क्या कुछ लोगों से आपको अपील करेंगी मीडिया के माध्यम से, ताकि लोग आपसे जुड़ें और जो समस्याएं हैं उनको आप तक पहुँचाएं? देखिए, मेरी अप्रोच हमेशा से यही रही है और यहाँ पर भी यही रहेगी कि कोई भी, देखिए, समस्या का निस्तारण मुझे नहीं लगता सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो सकता है। उसके लिए जब तक हम पब्लिक को रीच आउट नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, उनका सहयोग जब तक हमें प्राप्त नहीं होता, तब तक पॉसिबल नहीं होता। तो मेरी यही अपील है कि अपनी तरफ से डेफिनेटली मेरा 100% एफर्ट रहेगा रिगार्डिंग जो भी समस्याएँ मेरे पास आएंगी। लेकिन पब्लिक से भी यही अपील है कि शहर को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए सभी का हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सहारनपुर के सभी लोग इसमें मेरा साथ देंगे। मैडम, एक